प्रेस बंधु को नमस्कार। आज इसलिए आप सभी को यहाँ पे निमंत्रण किया है कि हमने दो तीन दिन पहले हम देखा कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें हमारा जो कांग्रेस पार्टी को जो है टारगेटेड किया, इस लोग हमारी बीजेपी भाई लोगों ने टारगेटेड किया और इसके लिए हम यहाँ पे आज आप लोगों को बुलाया है। देखिए 2 तारीख जनवरी महीना 2 तारीख को जो जीटीटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो जीटीटी पोस्टिंग के लिए जो उस लोग फॉर्म फिलअप कर रहा था सारे के सारे, वो दो दिन हम लोग देखा है कि 2 तारीख को 1 तारीख और 2 तारीख सारे के सारे मेनलैंड के बच्चे आए हैं वहाँ पे। हमारा पहला एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना था कि देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड छोटा आइलैंड है, हम लोग 100% रिजर्वेशन के लिए बोला कि अंडमान के यूथ को हमारे युवा हमारे यूथ को मिलना चाहिए नौकरी, हमारे इस द्वीप का यूथ को मिलना चाहिए, हम बाहर वाले के यूथ को नहीं चाहिए। लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन ये ऐसा करके रखा है हमारे इस अंडमान द्वीप को, सारे का सारे जो है हमारे बाहर के जो बच्चे लोग को लेकर आकर यहाँ पर वन लाइन में जो है एडमिशन इस लोगों को कराने का कोशिश कर रहा था, उस टाइम फॉर्म फिलअप कर रहा था। हमारा ये कि कहना है देखिए आप लोग कुछ भी करिए, हम लोग जो है बाहरी बच्चों के लिए हम लोग नहीं हैं, हम लोग एक भी पोस्ट देने का नहीं है चाहे कुछ भी हो। लेकिन इसके लिए जो ये जो गलत शब्द बोला बीजेपी की ओर से कि हम लोग जो है वहाँ पे लड़ाई किया, वहाँ में हंगामा किया, वहाँ में कुछ किया, हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट का साथ में जो है हम लोग हाथापाई किया, ये तो सरासर गलत है। क्या इस देश में अपना आवाज़ को रखने का अधिकार नहीं है हमारा? हमारा जो संविधान में दिया है हमारा बोलने का आवाज़ उठाने का अधिकार है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ये आवाज़ उठाया उस दिन में। आज हमारे एक कार्यकर्ता का ऊपर में आज देखा है कि भाई FIR काट दिया, किसके कहने पर किया है, क्या किया वो गुनाह? वो तो यही बोला अंडमान को जो है यूथ को मिलना चाहिए नौकरी, दूसरे बच्चों को हम लोग देने का अधिकार नहीं, हम लोग देंगे नहीं, यही वो उसका आवाज़ था। इसलिए जितने मेनलैंड के बच्चे आए थे उससे सबको रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि देखिए आप लोग हमारा जो हक है ये हक को आप लोग मत छीनिए, क्योंकि हम जब जाते हैं मेनलैंड में तब आपका सरकार वहाँ का जो सरकार है वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारा कोई भी एक बच्चों को जो है वहाँ पे नौकरी में नहीं लेता है। इसलिए हमारा कहना है छोटा एक द्वीप है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्राइवेट में कहाँ जाए तो जाए, कहाँ जाए प्राइवेट में, हमारा कोई भी साधन यहाँ पे नहीं है। इसलिए कृपया करके आप लोग फॉर्म फिलअप मत कीजिए, आप लोग कहीं से चले जाइए। लेकिन इसका ऊपर से कोई बात नहीं हुआ, कहाँ से हम लोग पुलिस से हम लोग झगड़ा किया, कौन बोल सकता है कि भाई वहाँ पे पुलिस से, क्योंकि हम था वहाँ में, खुद हम वहाँ में प्रेजेंट था वहाँ में, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया। हम लोग रिक्वेस्ट इतना किया हमारे बाहरी बच्चों से कि देखिए आप लोग अगर सब आ जाएगा हमारा इस अंडमान निकोबार द्वीप का बच्चों का जो आज 10 साल से कोई पोस्ट नहीं निकालता है, आज थोड़ा से पोस्ट निकाला है, ये पोस्ट को हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, यही हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। हम यही उसको वहीं पे मेनलैंड के बच्चों को सामने यही हम लोग जिक्र किया, भाई आप लोग कृपया करके इसको आप लोग फॉर्म मत भरिए, आप लोग जाइए यहाँ से, और तो कोई बात नहीं हुआ। यहाँ में देखा है यहाँ पे FIR में लिखा है कि हमारे जो NUC के अध्यक्ष साजिद जी जो वहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट से ये पूरा लड़ाई किया है, कहाँ में गवर्नमेंट सर्वेंट से लड़ा, कौन गवर्नमेंट सर्वेंट से लड़ाई किया है? आज देखा है हमारा एक दुखद ये देखने का बाद FIR देखने का बाद लगा है कि बाहर से जितना IAS ऑफिसर आया, बाहर से जितने भी दैनिक से आया, कोई यहाँ पे NC FIR नहीं कटाया, कटाया कौन? यहाँ का रहने वाला। तो यहाँ में जो ऑफिसर है इसको समझना चाहिए हम किसके ऊपर में हम FIR काटता है, क्या किया वो बच्चा, क्या गुनाह किया वो बच्चा जिसके लिए हम ये करता है। तो आइलैंडर से लड़ाई फंसाने का कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन का है, यहाँ से मालूम होता है, क्योंकि जो वहाँ पे जो व्यक्ति FIR किया है जिसका नाम से कराया है वो व्यक्ति को वो दिन वो जगह में ही नहीं था, वो व्यक्ति वो जगह में ही नहीं था, उसको कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा डायरेक्टर साहब है,
बाकी जितना IAS ऑफिसर का उसका डायरेक्शन से जो है उनसे ये कराया गया है। तो ये आइलैंडर वालों से जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के जो आइलैंडर वाले हैं वो सब जागृत हो जाएं कि आप ऐसा काम ना करें। आज आप हैं पद में, कल आप नहीं रहेगा, लेकिन आपके बच्चे हैं इस द्वीप में, आपका पोता पोती होगा, आपका रिलेटिव होगा, वो बच्चे का भविष्य क्या होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। और बीजेपी वाले जो कहते हैं कि हमें हमारा जो उनका भी ये चाहत है कि मेलन के बच्चे ना आए, सरकार उनका है, शर्म नहीं आता उन लोगों को, सरकार उनका है, एक बात में जो है वो बंद करा सकता है, एक मिनट में उसको बंद करा सकता है। आज वो ऐसा सामने आने के लिए या वो फेमस होने के लिए वो कुछ दिखता है, कांग्रेस पार्टी हमेशा लगा पड़ा है इसके पीछे, जिसके लिए उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो कहता है उनका भी इच्छा है कि बाहर वाला बच्चों ना आए, हम भी वो सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट करता है, उसको बताइए एक भी संघर्ष उनके लिए अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में किया कि नहीं, तब तो मालूम होगा, एक भी चीज़ जो है उनके पास में नहीं है, जिसके लिए हम दावा करते हैं, हम अनुरोध करते हैं सभी आइलैंडरवासी से कि इनका बहकाव में मत आए। कांग्रेस पहले से भी जो आवाज़ उठाया कि मेलैंड वाले जो हैं वो बच्चों को हम लोग के नौकरी नहीं देने वाले हैं, और आगे भी हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी हमारे ऊपर में हमारे जो मोदी सरकार, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे NCA बैर काटे, फिर भी कांग्रेस छोड़ने वाला नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ये आवाज़ उठाते रहेगा। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। आज हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन भास्कर जी के साथ आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने आज सवेरे देखा होगा कि हमारे निकोबार टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था, उस आर्टिकल में बताया गया था कि मेरे ऊपर में PS अबडिन में एक FIR दर्ज हुआ है, और ये 2 तारीख का इंसिडेंट था जब हमारे कांग्रेस के नेता लोगों को मालूम चला, हम लोगों को मालूम चला कि जो GTT का जो फॉर्म वेरिफिकेशन हो रहा था उसमें कई 100 लोग प्लेन भर भर कर इस द्वीप समूह में आए थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का युवाओं का रोजगार को छीनने के लिए। जैसे खबर हम कांग्रेस के लोगों तक पहुंचा, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष रंगलाल जी के नेतृत्व में, भास्कर जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने स्टेट लाइब्रेरी गया, हम लोग वहाँ पर जाकर ये जानने की कोशिश किया कि कैसा मेलेंडर अंडमान निकोबार में आके अंडमान निकोबार द्वीप समूह का युवाओं का रोजगार को छीनता है। हैंड रिटर्न वाला मार्कशीट जमा किया था, ये लोग कॉन्सुलेट सर्टिफिकेट हैंड रिटन सबमिट किया था, उस विषय में मैंने कई दफ़ा उस समय खड़ा होकर DO साउथ अंडमान को फ़ोन किया, लेकिन DO साउथ अंडमान मेरा फ़ोन को रिसीव नहीं किया। क्यों नहीं रिसीव किया? क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि ये खबर कांग्रेस पार्टी तक आ चुका है, रंगलाल जी तक आ चुका है, भास्कर जी तक आ चुका है, अब उसको फंसने का टाइम आ चुका है करके। उसके बाद तुरंत हम लोगों ने जाकर डायरेक्टर एजुकेशन से मुलाकात किया, फोन मैंने पहले हम लोगों ने फ़ोन में बात किया, तो डायरेक्टर का हम लोगों ने सूचित किया कि एक दिन पहले आपका DO साउथ अंडमान ये हैंड रिटन मार्कशीट जो है लिया लेता था वो मेलेंडर का। आप मुझे बताइए ना, आज हम कौन सा सदी में जी रहे हैं? आज 2024 आ गया है, इस समय में मेलेंड से लोग आकर अंडमान निकोबार में जो मार्कशीट है वो हैंड रिटन ला रहे हैं। हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का युवा लोग जो GTT करके जो CTT करके पास आउट होकर बैठा है, उन लोगों को चप्पल घिसना पड़ा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। एक एक बच्चे लोगों को कम से कम 20-25 दिन घूमना पड़ा, कभी बोलता था कि स्कूल जाके अटेंडेंस रजिस्टर लेके आओ, कभी बोलता था कुछ लेके आओ, कभी बोलता था कुछ लेकर आओ। इतना हैरेसमेंट इस द्वीप समूह के युवाओं को ये DO साउथ अंडमान दुबे जी ने किया था, लेकिन हम लोग सरप्राइज हो गया देखकर कि मेलैंड से फ्लाइट में लोग उतरते हैं और मेलेंडर लोगों का फॉर्म वेरिफिकेशन होता है, मेलेंडर लोगों के लिए एक दिन में काम हो जाता है, लेकिन जो आइलैंडर के युवा हो 20-25 दिन उसके पीछे घूमता था, ऑफिस जाओ ऑफिस में नहीं है,
तीन से चार बजे पब्लिक टाइमिंग मिलने के लिए जाओ, ऑफिस में नहीं है। इस तरीके से 20 से 25 दिन तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवाओं को परेशान किया। लेकिन जो मेलेंडर लोग आया, उस मेलेंडर लोग हैंड रिटन मार्कशीट को साहब जी ने ले लिया। जब इस विषय में मैंने बात किया, आपके मीडिया में चीज बाइट कवर भी हुआ है, जब मैंने सवाल के डीओ सौदा नमान से कि सर आप क्यों हैंड रिटन मार्कशीट लिया है, तो आपका मीडिया में चीज कवर हुआ है कि डीओ सौदा ने बोलता है हाँ लिया है, तो क्या हुआ? अब मुझे पता ही ना, अगर मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को युवाओं का रोजगार के लिए बात किया, रंगलाल जी ने बात किया, भास्कर जी ने बात किया, जुबैर जी ने बात किया, जुबैदा मैडम ने बात किया, तो हम लोगों ने कौन सा गुनाह कर दिया? हमारा मांग शुरू से एक था, और जब तक कांग्रेस पार्टी इस देश में रहेगा तब तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को युवाओं के लिए 100% जॉब रिजर्वेशन के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। आज मेरे पर FIR हुआ, ये प्रशासन सोचता है कि साजिद के ऊपर FIR करने साजिद डर के घर में बैठ जाएगा, लेकिन प्रशासन ने गलत फहमी है। ये प्रशासन अंडमान में कई लोग मुझे दबाने की कोशिश किया, लेकिन साजिद आज तक दबा नहीं है, और इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में प्रशासन के सामने या सरकार के सामने में झुकने वाला मेरे साहब नहीं है। आज ऑलरेडी मेरे पास 4-4 FIR है, 5-5 FIR है, और एक आप मुझे गिफ्ट दे दिया ना सर, मुझे कोई चिंता नहीं है। इससे मुझे मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन घबराया हुआ है, और प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ गलत काम किया था। मैं बात आपको और एक बार बताना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के इंचार्ज वहाँ पे दुबई जी था, लेकिन हम सरप्राइज हो गए चीज़ देखकर कि DD पर्सनल से मेरे पर FIR करवाता है। अगर हम लोगों ने वहाँ पे कुछ गलत किया था तो उसी समय DO साउथ अंडमान कंप्लेंट क्यों नहीं किया? वहाँ पे पुलिस मौजूद था। अगर हम लोगों ने किसी से मैन हैंडलिंग किया था तो पुलिस क्या है? सो रहा था वहाँ में, पुलिस हमें अरेस्ट क्यों नहीं किया? वहाँ पे SHO अपडी ने वहाँ पे प्रेजेंट था, वहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर प्रेजेंट था, वहाँ पे कई पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट था। उस दिन हमारे पर कंप्लेंट लोगों ने क्यों नहीं किया? हम लोग अरेस्ट क्यों नहीं किया? आज मेरे पर एलिगेशन लगाता है कि साजिद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में कुछ बोला। यार मैं बोला था, बोला है और हमेशा बोलता रहेगा, जब तक LG साहब पब्लिक हित के लिए काम नहीं करेगा तब तक कांग्रेस पार्टी बोलता रहेगा, क्योंकि बोलने की आज़ादी हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। हम कहाँ पर रह रहे हैं? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर में हमें बोलने की आज़ादी है, हमें पहनने का आज़ादी है, हमें खाने का आज़ादी है, हमें चलने का आज़ादी है। लेकिन आप बताइए ना, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये BJP के लोग, कांग्रेस के लोगों पर FIR हुआ, कांग्रेस पार्टी वाले युवा को रोजगार दो, कांग्रेस के लोगों पर केस होता है, कांग्रेस पार्टी बोलते हैं मेलेंडर को आने से बंद कराओ तो कांग्रेस के लोगों पर केस होता है। या प्रशासन या सरकार सोचता है कि केस कर देने से कांग्रेस पार्टी डर जाएगा, तो इनका सोच गलत है। कांग्रेस पार्टी कभी डरा नहीं था और डरेगा भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है जो आंदोलन से निकला वाला पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी को आंदोलन करना आता है और काम करवाना आता है। और BJP के कुछ लोग, बहुत अच्छा लगा सुनकर, BJP के कुछ नेता लोग, 4-5 नेता लोग थे, वो लोग बोलता है कि जब देखो कांग्रेस पार्टी में 4-5 लोग है जो हर जगह में युवाओं को भड़काने का काम करता है, स्टूडेंट को भड़काने का काम करता है, एग्जेटेड क्या कहना चाहता है, मुझे उसके बाद पहले बस समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? एक तो फिर पहले बोलता है कि हाँ लोग, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलत करता है। अगर आप, अरे आप लोग बोलते हैं यहाँ के युवा को रोजगार मिलना है तो कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करता है, तो आप लोग क्यों कांग्रेस पार्टी गलत बोल रहा है? आज आपका सरकार है, आपका प्रधानमंत्री है, आपको होम मिनिस्टर है, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका है, आज चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक आपका है। अगर आज आप चाहेगा तो कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में एक हफ्ता के अंदर में 100% जॉब रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन ये BJP के लोग जब जब चुनाव आता है तब तक 100% जॉब रिजर्वेशन बात करता है। अरे यार, आप हमें मैनिफेस्टो में दिया था कि BJP की सरकार आएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 100% जॉब रिजर्वेशन देगा। कहाँ किया आपका वादा? आप बोला था कि NH4 बनाएगा, कहाँ बना NH4? NH4 नहीं है, NH का तो NH ही नहीं है वहाँ में। हमारे भास्कर जी ने बहुत बढ़िया FIR लॉन्च करवाया था कि NH करोड़ मिसिंग हो गया, इसीलिए करवाया क्योंकि आज वहाँ पे रोड दिखता है लेकिन वहाँ पे कोलतार रोड नहीं दिखता है, ना ही वहाँ पे मोटरेबल रोड दिखता है। वहाँ पे क्या दिखता है? गाय भैंस चलने का रोड दिखता है, खेती बाड़ी करने का लायक रोड वहाँ पड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ता आया था
लड़ता है और हमेशा लड़ता रहेगा। और ये बीजेपी के लोग सोचते हैं कि एफआईआर साजिद के ऊपर करवा के साजिद कांग्रेस पार्टी के लोग खामोश बैठ जाएगा। इस तरह के एफआईआर से ना कांग्रेस के लोगों के अंदर में जोश आता है, एक हौसला आता है, एक हिम्मत आता है। जितना आप हमारे ऊपर एफआईआर करवाओगे उतना कांग्रेस पार्टी उभर के आएगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जितने भी हमारे मीडिया के भाई आए उन सबको मेरे तरफ से नमस्कार। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाए, हमारे प्रेसिडेंट साहब और कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए। हाल ही में हम लोग दो या तीन दिन पहले देखे थे बीजेपी के भवन में शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें जो है कुछ लीडरान बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ दो चार बिंदु में मैं भी कहना चाहता हूँ, कहा था कि बीजेपी के सरकार में कोई भी तरह का करप्शन नहीं हुआ। मैं नेशनल लेवल की बात छोड़ देता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर ही बहुत बड़ा करप्शन हुआ, जिसमें नॉर्थन मिडिल के लोग खासकर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हालात और किस तरह का करप्शन हुआ। हमारे प्रेसिडेंट साहब रंगलाल हल्दर जी ने NH को एक RTI लिखा था, जिसमें जवाब में NH के जनरल मैनेजर उनके तरफ से रिप्लाई आया था कि NH का जो काम है कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ जो है उस पर पोर्टल स्रप वर्क जो है बचा हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो रोड के लिए सेंक्शन हुआ अमाउंट 3,500 करोड़, रोड बना ही नहीं, ये किसी से छुपी वाली बात नहीं है। मैं ये सवाल बीजेपी के प्रेसिडेंट अजय बैरागी जी से पूछना चाहता हूँ, आपके जो लीडरान बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि आपके सरकार में कोई तरह का करप्शन नहीं हुआ, ये 2024 में आने वाला इलेक्शन में जनता आपको जवाब देगी। जो तरह का 5 साल या 7 साल से लोग मत परेशान हाल में है, आप कह रहे हैं कि कोई तरह का करप्शन बीजेपी के सरकार में नहीं हुआ। दूसरा, उस दिन जो हम प्रेसिडेंट और हमारे जितने भी लोग गए थे GTT के जो इश्यूज थे, बच्चों का फॉर्म फिलअप करा रहा, फॉर्म जमा कराने का जो था, हम वहाँ पहुँचे तो हम जाकर DO से मिलना चाहते थे तो वहाँ मिला नहीं हमसे DO सर। उसके बाद हम लोगों ने देखा 150 से 200 बच्चे जो है मिलेंडर वहाँ में फॉर्म फिलअप करने के लिए खड़े थे, सबमिट करने के लिए। तो हमारा उनसे बात हुआ तो हम देखे कि कंप्लेंट आया हमारे साजिद जी को, NSUI के अध्यक्ष को कंप्लेंट मिला कि जो है हैंड रिटर्न फॉर्म जो है मार्कशीट जो है जमा ले रहे हैं, तो उसके खिलाफ में जो है हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया। हमारा मांग यही था कि 100% जॉब्स फॉर आइलैंडर। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये जो है निकला है GTT का जो है ऑनलाइन निकला था, तो इसमें जो है मेलेंडर जो है अप्लाई करे, फॉर्म फिलअप भी करने आए, लेकिन मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल है कि आप लोग जो है एंड रिटर्न फॉर्म, एंड रिटर्न जो इनका मार्कशीट वगैरह किस बेस पे आप लोग जो है सबमिट करें। मेरा सवाल ये है कि 100% जॉब जो है अंडमान के बच्चों को मिलना चाहिए। और उस दिन जो हादसा हुआ, जिस तरह का बीजेपी के लीडर्स कहे कि हम लोग वहाँ पुलिस के साथ भी मिसबिहेव किया और एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स के साथ मिसबिहेव किया, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि हम कांग्रेस के लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम
लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पे जो है किसी तरह का मिसबिहेव किसी के साथ नहीं किया। वहाँ पे गिरीश साहब भी थे, SHO साहब वहाँ बाकायदा वहाँ थे। हाँ, लेकिन हमें तकलीफ़ इस बात की थी कि जो बच्चों के साथ हमारे आइलैंडर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, उसके लिए हम आवाज़ उठाए। और आने वाला वक्त में कांग्रेस जब जब आइलैंडर्स के साथ नाइंसाफ़ी होगा, हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगा, हम इसका आवाज़ को उठाते रहेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी का काम है जो जगह में गलत हुआ होगा उधर में जाके संघर्ष करके उसका, हमारा जो पब्लिक के लिए एक करेक्शन कोर्स करने का हमारा काम है। जितना तक आप बोला है कि कितना सक्सेस होगा ये हम लोग अभी बोल नहीं सकता, लेकिन हमारा जो माननीय उपराज्यपाल जी अगर सोचने से इसमें करेक्शन लेके आ सकता। हाल ही में आप देख सकता है कि जो हमारा होमगार्ड जो काम करता हो, 1400 बच्चा लोग का, इन लोग कोई कोई 20 साल काम कर लिया, कोई कोई 18 साल काम कर लिया, कोई कोई 14 साल काम कर लिया, कोई कोई 10 साल काम कर लिया। अब बताइए, आप अगर 15 साल काम कर लिया इसका मतलब 50% ऑफ हिज लाइफ आपका और डिपार्टमेंट में दे दिया, अभी उठा के मक्की की तरह उसको उठा के बाहर फेंकेगा, ये अच्छा बात है? इसलिए हम लोग उसके साथ देर जो जगह में, ठीक है, BJP वाला कुछ भी बोलिए, उन लोगों का काम हम कर रहे हैं अभी। उन लोग अपना मतलब रूलिंग पार्टी में रह के जो काम करना था वो काम हम लोग कर रहे हैं। इन लोग अभी रोजगार मेला कर रहे हैं, पूरा प्राइम मिनिस्टर का पूरा ये कर रहा है, रोजगार हम लोग प्रोटेस्ट करके लेके आया, हम लोग प्रोटेस्ट किया, रोड में उतरा है, हम लोगों के ऊपर FIR फाइल हुआ, हम लोग कोर्ट कचहरी में जा रहा है, ये करके हम लोग अभी उसका बेनिफिट इन लोग अपना ले रहा है। लेकिन पब्लिक उतना ये नहीं है, पब्लिक को तो समझता है, पब्लिक को मालूम है कौन काम कर रहा कौन काम नहीं कर रहा करके। BJP वाला कुछ भी बोल ले दीजिए, बोलता कि हम लोग मिसबिहेव किया, भैया हमारा तो संविधान में जो लिखा है हम लोग कर रहा है, जो संविधान में जो FIR फाइल करने का है उन लोग अपना कर रहा है, हम लोग ये नहीं बोल रहे। आजकल देखिए हमारा मुंह बंद करने का काम मत करिएगा। नेशनल लेवल में तो सारा प्रेस को तो आप खरीद लिया, नेशनल लेवल में जितना भी आपका जितना है पपेट बोलते ना, पपेट जो आप जो गवर्नमेंट जो सोचता है मीडिया वाला ये करता है, लेकिन अंडमान का मीडिया ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं आप लोग जो भी इशू उठा रहा है बहुत अच्छा अच्छा इशू उठा रहा है। कम से कम अंडमान का जो मीडिया, हम हमेशा बोलता है जो मीडिया एक डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, और फोर्थ पिलर काम नहीं करेगा डेमोक्रेसी गिर जाएगा। जो आज हो रहा नेशनल लेवल में डेमोक्रेसी को गिराने का काम कर रहा है, डरा रहा है सबको, ऊपर फाइल केस फाइल कर, कितना जो सोशल वर्कर को ऊपर केस फाइल हो गया, कितना आदमी जेल के पीछे पड़ा है, लेकिन इन लोग भी हिम्मत से है। कितना आपका जो जो यूट्यूबर्स के ऊपर केस हुआ है क्योंकि आवाज़ उठाया। हमारा जो संविधान में जो हमारा जो अधिकार दिया है हम लोग उसको इस्तेमाल करना सही तरीका से बस। सर आने वाले 12 साल से पोस्ट नहीं निकला, 12-13 साल से पोस्ट नहीं निकला, अभी निकाल रहा है। जो आदमी रिटायरमेंट हुआ है उसका अगेंस्ट में इन लोग रिक्रूटमेंट नहीं किया। सो आने वाला दिन में रेगुलरली जो आदमी जो रिटायर होता है उसको पोस्ट को इन लोग फिलअप करना है। सो सी एम्प्लॉयमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एम्प्लॉयमेंट आज दे दिया कल नहीं, एवरीवेयर इवन प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आप रोक दिया ये आपका गलती है, इतना साल से आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया बच्चों लोगों को। आप देखिए अभी जो बच्चों लोगों को आप 2011-12 से एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, आज इन लोग तो ओवर एज हो गया, उन लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को आप लोग दबा रहा है। अभी उसका क्या कसूर है? अभी टीचर्स को जो ट्रेनिंग किया वो क्या मतलब चपरासी का काम करेगा? टीचर्स जो ट्रेनिंग किया वाला ड्राइवर का काम करेगा? वो टीचर्स ट्रेनिंग इसलिए किया कि वो बच्चे लोग को शिक्षा देने मनता था, एक स्पेशलाइज फील्ड है, और उसके लिए आप 10-12 साल से नहीं किया, अभी आप अनाउंस कर रहे हैं,
इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्वेश्चन आपका है, ये जो FIR हुआ खाली एम ए साजिद के ऊपर हुआ है, ये खाली पेपर में, लेकिन ये सब हम लोग के ऊपर हुआ है। अगर हमारा एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक चीफ के ऊपर हो रहा है, इसका मतलब हमारे ऊपर हुआ है। जो सीरियस एलिगेशन जो दे रहा है इन लोग, आप वीडियो देखिए, वीडियो में आप देखिए, आप जो जो बात बोल रहा है कि हम लोग दमका है, हम लोग ये किया, भाई हमारा बच्चा को प्रोटेक्शन कौन देगा? हम ही लोग दे, बीजेपी वाला देगा? पूछिए ना बीजेपी वाला, आज पूछे बीजेपी लोग बोले प्रोटेक्शन देने के लिए, हम लोग पीछे हट जाएंगे। बोलिए हमारा बच्चा को 100% जॉब रिजर्वेशन देने, बोलिए हम लोग पीछे हट जाएंगे। हमारा मांग जो है इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हमारा मांग पूरा करना जरूरी है। ठीक है, ऐसा है, इन लोगों महाराजा जो बैठा है दिल्ली में भी बैठा है महाराजा, इधर में भी राजा बैठा है, इन लोगों का अंडमान का बारे में कोई फिक्र नहीं है। बीजेपी वालों को खाली अंडमान का वोट बनता, अंडमान का पब्लिक के बारे में ये लोग कोई फिक्र नहीं है। आप अच्छा बात बोला है कि मतलब बीच बीच में इन लोग उठ के आ जाता है कि ये 100% जॉब रिजर्वेशन। आप बताइए ना, 100% जॉब रिजर्वेशन के लिए आप क्या किया? आपका गवर्नमेंट है, आपका होम मिनिस्टर है, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आपका चीफ सेक्रेटरी, सब कुछ आप लोग का इसमें है। आप सोचते तो एक दिन के अंदर में ये ऑर्डर निकल सकता, ये बात है। कांग्रेस का टाइम में क्या हुआ? कांग्रेस के टाइम में तो मेनलैंडर्स को तो हम लोग प्रोटेक्ट किए, प्रिवेंट किया। आप एक आइलैंडर कार्ड इशू किया, क्यों इशू किया? खाली शिप का टिकट लेने के लिए? आइलैंडर कार्ड इसलिए इशू करता है कि ये आइलैंडर 10 साल के ऊपर इधर में था, इसको बेनिफिट मिलना चाहिए। कल का बच्चा कल का कहीं बाहर से आके मेरा नौकरी लेगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्यों है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर किया वाला को ही आप काम कर देना है। अंडमान का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो रजिस्टर किया उसी को आप नौकरी देना है। सर 2024 में अगर आप लोगों का सरकार आता है तो कितना दिन आप लोगों को लगेगा सर 100% जॉब रिजर्वेशन अंडमान निकोबार में इम्प्लीमेंट करने में? क्या आपका फर्स्ट 100 डेज में टारगेट रहेगा? 6 महीना के अंदर में हम लोग करेंगे, क्योंकि ये देखिए पहले क्या क्या हुआ, एक डिस्पेंसेशन हम लोग लिया है, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ, इन लोग डिस्पेंसेशन को विदड्रॉ किया। अभी हम 6 महीना क्यों बोल रहे हैं कि 6 महीना के अंदर में पार्लियामेंट में इसको हम लोग पास कराएंगे। ये है, इट हैज टू बी ए रूल पास बाय द पार्लियामेंट सो दैट ये परमानेंट रहेगा। अभी दूसरा गवर्नमेंट आया निकाल दिया, कांग्रेस का गवर्नमेंट था वो इम्प्लीमेंट हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ये जॉब रिजर्वेशन रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार में कुछ कम्युनिटीज हैं जिनके पास ओबीसी का स्टेटस है और कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं जो डिजर्विंग है लेकिन फिर भी उनके पास ओबीसी का स्टेटस नहीं है और वो जनरल कैटेगरी में आते हैं जिनकी वजह से उनके बच्चों को जो है कई साल से यहाँ पे रहने के बावजूद भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेटलमेंट के बावजूद भी उनके बच्चों को आज मेनलैंड के बच्चों के साथ कम्पीट करना पड़ता है। ये बहुत अच्छा तो सवाल है। कम्युनिटीज के लिए आप लोग गवर्नमेंट जब आएगा तब आप लोग तो क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि उनको अभी तक कोई भी गवर्नमेंट जो है कभी उनके लिए कोई भी सहूलियत जो है वो क्रिएट नहीं करता है। वो ओबीसी कमिटी जो आया ये 10 साल के अंदर में आया? 10 साल के अंदर में नहीं आया ना ओबीसी कमिटी? क्यों नहीं आया? ओबीसी कमिटी अगेन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कमिटी 2 साल में आके रिव्यू करना चाहिए, रिव्यू कर 2 साल 3 साल रखिए, 3 साल के अंदर में आके रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करके ये जितना भी अभी आप 2-3 कम्युनिटी है जो अपना देश में वो SC है, शेड्यूल कास्ट, अंडमान में शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट एक कैटेगरी नहीं है। ये रिजर्वेशन इन लोग अभी अगर कोई कमिटी फॉर्म करके इन लोग रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद इसको आप आगे बढ़ाना है। तो कांग्रेस पार्टी का इस FIR के संदर्भ में क्या स्टेप रहेगा सर? आप लोग क्या स्टेप उठाएंगे क्योंकि FIR हुआ है तो क्या आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे या इसके ऊपर आप लोग अपना निराशा जताएंगे एडमिनिस्ट्रेशन? हम लोग अभी लीगल वे में जाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये जो स्टेप इन लोग लिया लीगल स्टेप लिया, हमारा लॉयर के थ्रू में एक केस का हम लोग आगे लेके जाएंगे। और कितना भी FIR फाइल करिए, फाइल करते जाइए, हम लोग उसको लीगल वे में टैकल करेंगे। हमारा ऊपर भी हुआ है, हम लोग अभी कोर्ट में जाके खड़ा है,
क्या करेगा, आप करते जाइए। ये एक तरीका है, एक धमकाने का तरीका है, ठीक है। आप धमकी देगा, आप होटल बंद कर देगा, आप बार बंद कर देगा, आप किचन बंद कर देगा, रेस्टोरेंट बंद कर देगा, बंद करिए। हम लोग डरने वाला नहीं है। आप कितना भी आप जो एक्शन ले रहे हैं वो हम लोग झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को मालूम है। आज भी पब्लिक बोल रहा, भाई अगर TSG होटल का किचन बंद कर सकता, आप अंडमान में 90% होटल बंद करना पड़ेगा, 90% का किचन बंद। आप इंस्पेक्शन करिए, पत्रकार ना आप लोग, आप आइए, आप देखिए कितना अंडमान के अंदर में किचन सक्सेस होगा। ये एक तरीका है किसी को धमकी देने का। देखिए हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा एक डेमोक्रेसी कंट्री है ये। तो अभी जो दिशा में जाता है वो दिशा जो है चाइना है, सिंगल पार्टी, सिंगल रूल, सिंगल मैन, सिंगल ऑर्डर। आप देखिए ना पार्लियामेंट में जो जो ये पास किया, जो कानून, जो तीन कानून अभी पास किया, उसमें डिस्कशन हुआ है, उसमें बहुत सारा लकुना है। एक लकुना आपको बताएगा, जो हिट एंड रन केस का है वो शायद रात को वो देखा भी नहीं होगा, कभी कभी वो रोड में क्रॉस करता, रोड में पीके पड़ा रहता, हम एग्जाम्पल बोल रहा है, उसके लिए आपको इमीडिएटली 7 साल सजा, विदाउट एनी ये 10 साल सजा, 7 लाख फाइन। आप बताइए, ये है एक कोई ड्राइवर, एक मामूली ड्राइवर, बस ट्रक का ड्राइवर, वो कर देता। आपको जो डायरेक्शन में जा रहा आप दिखा रहे ना, एक ही कानून बस आपको दिखाने के लिए, और बहुत कुछ कानून में उसमें लकुना है जो पार्लियामेंट में डिस्कस करके, हमेशा ऐसे ही होता, कानून ऐसा पास होता, आप जितना भी अपोजिशन मेंबर को उठा दिया, 146 आदमी को उठा दिया और आप कानून पास कर रहे हैं।